हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डी के तिवारी फ्रॉम शांति निकेतन जुबली स्कूल। ठीक है, हमने आपको पहले पढ़ाया था प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, आज हम उसका कुछ क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। जो प्रॉपर्टी हमने बताया था उसका क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है, वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। फर्स्ट है मेरा -7/8 एंड 5/12। ठीक है, तो मेरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि किसी भी रेशनल नंबर को अगर किसी भी वे में अगर उसको हम ऐड करते हैं तो दोनों इक्वल होता है। जैसे a/b + c/d इज इक्वल टू c/d + a/b। इसी को हम प्रूव कर रहे हैं। जैसे -7/8 + 5/12 इक्वल टू 5/12 + -7/8। तो क्या होगा, -7/8 + 5/12 इज इक्वल टू 5/12 + -7/8। इसका एलसीएम कितना हो गया, 24। 24 में 8 से डिवाइड करते हैं कितना आएगा, 3। 3 में -7 से मल्टीप्लाई करते हैं -21 प्लस, फिर 24 में 12 से डिवाइड करते हैं कितना आएगा, 2। 2 में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 10। इसी तरह इसको भी यहाँ क्या होगा, 24। फिर 24 में 12 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10। फिर 24 में 8 से डिवाइड करते हैं 3, 3 में 7 से 21। तो कितना आ गया ये प्लस माइनस माइनस, 11/24 इक्वल टू -11/ दोनों इक्वल हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, आया समझ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3/4 and -5/8। ठीक है, इसको भी उसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू इसको प्रूव कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। क्या होगा, 3/4 + -5/8 इक्वल टू -5/8 + 3/4। तो यहां एलसीएम क्या होगा मेरा, 4 और 8 का 8 होगा, और 8 में फिर 4 से डिवाइड करते हैं क्या आएगा, 2। 2 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 6। फिर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। फिर 8 में 8 से डिवाइड करते हैं 1। 1 में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या होगा, 5। फिर यहां देखो, यहां भी क्या होगा एलसीएम, 8 होगा। 8 में 8 से डिवाइड करते हैं 1। 1 में -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 प्लस, 8 में 4 से डिवाइड करते हैं कितना आएगा, 2। 2 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 6। अब क्या होगा, 6 में से 5 गया 1/8 इक्वल टू 1/8, वेरीफाई हो गया मेरा। ठीक है, ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को हमने वेरीफाई किया। अब हम चल रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को हम वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें है फर्स्ट देखते हैं, a इक्वल टू 1/2, b इक्वल टू 2/3, c इक्वल टू -3/5। तो हम लोग जानते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ये होता है a + b
प्लस सी इजकल टू ए प्लस बी प्लस सी, यही मेरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है। अब इसको इसी माध्यम से हम वेरीफाई करना है, देखिएगा आप लोग ए का वैल्यू कितना है 1/2, बी का कितना है 2/3 और सी का कितना है -3/5 इजकल टू, फिर ए कितना है 1/2 प्लस बी का वैल्यू कितना है 2/ प्लस सी का वैल्यू कितना है -3/5। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया 6 हो गया। अब 6 में 2 से डिवाइड करते हैं कितना आता है 3, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, फिर यहाँ 6 में 3 से डिवाइड करो 2 आएगा, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करो 4, फिर प्लस माइनस -3/5। यहां भी देखते हैं 1/2 प्लस 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15, अब 15 में 3 से डिवाइड करो 5 आएगा, 5 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 10, फिर प्लस माइनस -9 कितना आएगा ये 7/6 -3/5 इक्वल टू 1/2 प्लस 1/15। ठीक है, फिर यह हो गया 7/6 -3/5 इक्वल टू 1/2 प्लस 1/15। अब देखते हैं दोनों काम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा मेरा 30, अब 30 में 6 से डिवाइड करते हैं कितना आएगा 5, 5 में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 35 माइनस, फिर 30 में 5 से डिवाइड करते हैं क्या आएगा 6, 6 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 18, फिर यहां भी 2 और 15 का एलसीएम कितना हो गया 30, 30 में 2 से डिवाइड करते हैं क्या आएगा 15, फिर प्लस, फिर 30 में 15 से डिवाइड करते हैं 2 आएगा, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 2, अब यहां देखो 15 में से 18 जाएगा 17/30 इक्वल टू 17/30 हो गया वेरीफाई मेरा, आया समझ में? ठीक है, एक और क्वेश्चन के माध्यम से इसको फिर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है a इक्वल टू -1/4 b इक्वल टू -3/8 और c इक्वल टू -5/12। फिर देखते हैं फिर क्या होगा मेरा -1/4 प्लस -3/8 प्लस -5/12 इक्वल टू फिर -1/4 प्लस -3/8 प्लस -5/12। ठीक है, अब यहां देखते हैं -1/4 प्लस माइनस -3/8 फिर प्लस माइनस -5/12 फिर यहां देखो -1/4 प्लस -3/8 प्लस माइनस -5/12। अब यहां इसका एलसीएम 4 और 8 का क्या होगा 8, अब 8 में 4 से डिवाइड करते हैं कितना आता है 2, 2 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 फिर माइनस, 8 में 8 से जब डिवाइड करते हैं कितना आता है मेरा 1 आता है, 1 में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा -3 -5/12 फिर -1/4 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा 24, अब 24 में 8 से डिवाइड करते हैं कितना आता है 3 आता है और 3 में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -9 फिर बीच में माइनस का साइन, फिर 24 में 12 से डिवाइड करते हैं कितना आता है 2, 2 में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 10, अब कितना हो जाएगा ये -5
बाई एट माइनस फाइव बाई ट्वेल्व, ये हो जाएगा माइनस वन बाई फोर प्लस माइनस माइनस नाइनटीन बाई ट्वेंटी फोर। अब इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा मेरा 24। अब 24 में 8 से अब डिवाइड करते हैं कितना आता है 3, 3 में माइनस 5 से गुना करते हैं माइनस 15 माइनस, फिर 24 में 12 से डिवाइड करें क्या आएगा 2, 2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10। यहां भी क्या होगा 24, 24 में 4 से डिवाइड करते हैं कितना आएगा माइनस 6 माइनस 19। अब कितना हो गया माइनस 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा माइनस 25 बाई 24 इक्वल टू माइनस 25 बाई 24, यानी मेरा वेरीफाई हुआ। ठीक है, राइट द एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स हमको लिखना है, राइट द एडिटिव इनवर्स। तो क्या है, ये फर्स्ट में है 3/16। ठीक है, तो इसका एडिटिव इनवर्स हमको लिखना है। तो आपको बताया गया था कि जब दो रेशनल नंबर का सम जीरो हो जाता है तो दोनों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स होता है। तो 3/16 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस 3/16। देखो ऐड करके देखते हैं, 3/16 प्लस माइनस 3/16, तो 3/16 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 3 0/16 यानी 0 आ गया, इसलिए 3/16 का एडिटिव इनवर्स मेरा क्या हुआ माइनस 3/16। सेकेंड है माइनस 4/7, तो माइनस 4/7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा 4/7, दोनों को जब ऐड करेंगे तो 0 ही होगा। ठीक है, फिर है आपका थर्ड है आपका माइनस 5/9, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा 5/9। ठीक है, आप लोग एडिटिव इनवर्स समझ गए, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, रीअरेंज सुटेबल एंड फाइंड द सम। इसको सुटेबल अरेंज करना है हमको और सम निकालना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा 2/3 प्लस 3/4 प्लस माइनस 4/9 प्लस माइनस 3/8, इसको हमको सुटेबल तरीके से अरेंज करके हमको सम निकाल देना है। मेरा सुटेबल तरीका क्या हो, पहले यहाँ 3 है यहाँ 9 है, पहले एक साथ ही दोनों को हम अरेंज करते हैं। क्या होगा 2/3 प्लस माइनस 4/9 फिर प्लस 3/4 प्लस माइनस 3/8। ठीक है, तब क्या होगा 2/3 प्लस माइनस माइनस 4/9 फिर प्लस 3/4 प्लस माइनस माइनस 3/8। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 9 होगा। अब 9 में 3 से डिवाइड करते हैं क्या आएगा 3, 3 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 माइनस 4 फिर प्लस यहां क्या होगा 8, 6 माइनस 3, अब कितना हो जाएगा ये 2/9 प्लस 3/8। अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं क्या होगा 72 कितना हो जाएगा 43/72, यही इसका सम हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक है 3/5 प्लस माइनस 2/9 प्लस माइनस 4/8।
फाइव प्लस फोर बाय नाइन। इसको कैसे अरेंज करेंगे हम, सबसे पहले जिसका डिनोमिनेटर नाइन है उसको एक साथ लिखते हैं, जिसका डिनोमिनेटर फाइव है उसको एक साथ लिखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा, थ्री बाई फाइव प्लस माइनस फोर बाई फाइव, फिर प्लस माइनस टू बाई नाइन प्लस फोर बाई नाइन, ठीक है। अब फाइव फाइव कैसे हम लोग जानते हैं कितना होता है फाइव, ठीक है। अब फाइव में फाइव से जब डिवाइड करते हैं कितना आता है वन आता है, वन में थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री प्लस माइनस माइनस, फिर फाइव में फाइव से डिवाइड करते हैं कितना आएगा वन, वन में फोर से मल्टीप्लाई करेंगे फोर। उसी तरह यहाँ नाइन और नाइन का एलसीएम क्या होगा नाइन, नाइन में नाइन से डिवाइड करते हैं कितना आएगा वन, वन में माइनस टू से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस टू, फिर प्लस नाइन में नाइन से डिवाइड करते हैं क्या आएगा वन आएगा, वन में फोर से मल्टीप्लाई करते हैं फोर आएगा। अब थ्री में से फोर घटेगा क्या होगा माइनस वन बाई फाइव, प्लस फोर में से टू जाएगा टू बाई नाइन। अब नाइन और फाइव का एलसीएम क्या होगा फोर्टी फाइव, फोर्टी फाइव में फाइव से डिवाइड करते हैं नाइन आता है, नाइन में माइनस वन से गुना करते हैं माइनस नाइन, यानी वन बाई फोर्टी फाइव, यही मेरा आंसर हुआ, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट क्लास में फिर आगे बताया जाएगा।